हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ट्रेल ब्रेजर में। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और कल हमने क्या डिस्कशन किया था, तो कल मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा था। और यहाँ से मैंने आपको कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ओपन होता है तो हम यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल होगी तो ऊपर जाएंगे और नेगेटिव कैंडल होगी तो नीचे जाएंगे। लेकिन मार्केट आज ओपन हुआ दोस्तों गैप अप। गैप अप होने के बाद में मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, लेकिन ये हाई का ब्रेक आउट देने के बाद में ऊपर ही एक रेजिस्टेंस लाइन थी दोस्तों। रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट ने बिल्कुल रेजिस्टेंस खाया है और यहीं पे हमने एक सेल आउट किया। और हमारा जो प्रॉफिट का मैंने जो लाइव सुबह में शॉर्ट्स डाला था, वो प्रॉफिट हमारा 26,000 का हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का बुक किया है ऑलरेडी दोस्तों। और भी दूसरे भी ट्रेड किए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कि आज के दिन कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, हमारे सिनारियो क्या क्या हो सकते हैं और हमें कल क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो आपको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। रेजिस्टेंस लाइन का जब तक कि ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें ऊपर का नहीं ट्रेड लेना है। इस लाइन के आसपास आके मार्केट एक नेगेटिव कैंडल शो करता है, नेगेटिव मूवमेंट, यानी कि टॉप पे अगर मार्केट इन्वर्टेड हैमर शो करता है तो इन्वर्टेड हैमर पे हमें ट्रेड लेना है पी का। अगर बेयरिश एंगल्फिंग शो करता है तो हमें एक पी के अंदर का ट्रेड लेना है। ये कब होगा, जब तक के ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक के। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम डेफिनेटली सी के कॉल में भी जा सकते हैं, एक वेट कर लेंगे थोड़ा सा, इसका 43,000 को भी ब्रेक करने का वेट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद में ही हम आगे की ओर जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर फेकआउट होता है, फेकआउट का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया हुआ है। फेकआउट हुआ तो किस तरीके से वो होगा वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, नहीं देखा तो अभी तक जाके देख लीजिए। 5 मिनट डेमा, 20 डेमा, 5 मिनट इनसाइड कैंडल, ये सब चीज़ें डेली बनती है दोस्तों, डेली बनती है मार्केट में, ये सब चीज़ें डेली की डेली बनती है दोस्तों। और इस चीज़ों को आपको ख्याल में रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको, और आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, श्योरली डेफिनेटली होगा दोस्तों। मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उससे भी आप देख लेना, वहाँ पे मैं फ्री में बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करता हूँ, और मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात की कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है, नेगेटिव कैंडल शो होती है, तो हमारे नीचे के लेवल जो 42,500 के लेवल है उसके आसपास के होने वाले दोस्तों, इस कैंडल के लो के आसपास के हम लोग रखेंगे। अब जब भी इस कैंडल का लो मार्केट ब्रेक करेगा दोस्तों तो काफ़ी नीचे जा सकता है मार्केट ये। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपसाइड की दोस्तों। अपसाइड में मान लो मार्केट ब्रेकआउट होता है या फिर मान लो गैप डाउन होता है मार्केट, मार्केट अगर यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो हम एक बार रिट्रेस का वेट करेंगे। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और मार्केट यहाँ खुलता है तो मैं कहूँगा कि एक बार मार्केट को रिट्रेस करने जाने देना, फिर वहाँ पे एक नेगेटिव सेनारियो बनेगा, उसके बाद हम लोग सेल करेंगे। इस तरीके की हमारी स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो भी हमें एक बार यहाँ पे आने का, टच करने का, इसका वेट कर लेना है, उसके बाद में कोई नेगेटिव कैंडल शो होती है तो हम वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं बेशक। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपलाइन की, यानी कि अप साइड के मार्केट की। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट देगा तो हमारे क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं दोस्तों। तो जैसे ही मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट दे देगा तो हम एक सी के कॉल में बैठेंगे, उसी कैंडल के लो का एसएल लगाकर, यानी इसी के लो का एसएल लगा लेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट इस तरीके की 43,000 को भी ब्रेक करने वाली फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन जाती है तो। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पे तो हैमर बनी लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, तो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया और यहाँ से वापस मार्केट ने डाउन आना चालू किया लेकिन मार्केट बंद हो गया। ओके दोस्तों, इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है आपके लिए, उसको भी जाके देखो, आप नहीं देखा तो देख लेना। मैं और बाहर बहुत सारी चीज़ें बना के रखी है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है द ट्रेल ब्रेजर करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो ऊपर के साइड के लेवल अच्छे खासे हमारा 43,400-45,000 तक का टारगेट होने वाला है। लेकिन मार्केट जब भी ऊपर जाता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मार्केट ऊपर जाता है तो स्लोली स्लोली जाता है और नीचे आता है तो एक साथ में आता है, नीचे आता है तो अच्छा खासा एक साथ में फॉल दिखाता है दोस्तों। इस तरीके का मार्केट का नेचर होता है, तो स्लोली स्लोली जाएगा। लेकिन ऊपर अगर मार्केट, इसके ऊपर मार्केट गया, 43,000 के ऊपर मार्केट गया तो बेशक ये मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पर अगर फेकआउट होता है, फेकआउट का वीडियो मैंने बनाया है, वो आप जाके जरूर देखना। मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग, ये बुलिश कैंडल बनाता है फर्स्ट 5 मिनट की और दूसरी 5 मिनट की थोड़ी सी ऊपर ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे पूरी रेड बना देता है, यानी ये बेयरिश एंगल्फिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। मार्केट बेयरिश एंगल्फिंग में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारा जो, मान लो यहाँ पे अगर हमने एंट्री ट्रिगर की तो हमारा एस एल इसी कैंडल के लोअर रहेगा तो वो एस एल हिट हो जाएगा। और एस एल हिट होने के बाद में हमें क्या करना है, हमारी जो पोजीशन है उसको रिवर्स कर लेना है, यानी उसको पुट में कन्वर्ट कर लेना है। और पुट के टारगेट हमारे 42,500 के आसपास के टारगेट हमें रखना है, इस लाइन के आसपास के। ओके दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।